हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड हम बात करेंगे आज हुंडई अल्काजार पे। हालांकि अल्काजार के काफ़ी सारे वीडियो आ चुके हैं, ये कोई नया मॉडल नहीं है, पर वापस उसको रिफ्रेश करते हैं। काफ़ी लोग भूल चुके होंगे क्योंकि सबको क्रेटा याद है, तो अल्काजार पे बात करते हैं कि अल्काजार क्रेटा से क्या मतलब एक्स्ट्रा है जो लोग क्रेटा को छोड़ के अल्काजार की तरफ भी जा रहे हैं, और इसके प्राइस क्या है एंड ऑन रोड माइलेज क्या है, एंड क्रेटा से क्या बेस्ट परफॉर्मेंस है अल्काजार की, एंड किसके कंपैरिजन में गाड़ी है, दिखने में कितनी अच्छी है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारा एक वॉक राउंड रहेगा मेरा, इस पर एक मेरा रिव्यू रहेगा, एंड सर्विसिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड इसके अलावा मुझे किसी गाड़ी पर वीडियो बनाना है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एंड चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ माई सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें एंड लास्ट में पूछें मुझे कि आपका क्या क्वेरी है, आपका क्या क्वेश्चन है हुंडई अल्काजार से रिलेटेड। सो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, थैंक यू सो मच अब तक बनाए रहने के लिए। सो हम हैं गाड़ी के सामने, गाड़ी है हमारे सामने, सो सबसे पहले गाड़ी पर बात करते हैं, बाद में बात करते हैं अपन चाबी पे। दो चाबी मिलेगी, कीलेस एंट्री है। पहले बता दूं जो मॉडल आपके सामने खड़ा है ये अल्काजार का सिग्नेचर डीजल में है, टॉप एंड वेरिएंट बोल सकते हैं अपन इसको, ये अल्काजार का सबसे टॉप एंड वेरिएंट मॉडल है। अब बात करते हैं चाबी पे, तो चाबी पे चार बटन मिलते हैं आपको, दोनों सेम चाबी पहले वाली चाबियाँ हैं, कोई नहीं, कीलेस एंट्री है। पहला लॉक अनलॉक, ये अनलॉक कर दिया। दूसरा होल्ड का, जिससे आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा बूट ओपन करने का, ओके हर बार सिखाता हूँ गाड़ी कैसे स्टार्ट करते हैं, ओके दिखा देता हूँ आपको। अगर आपकी गाड़ी में फीचर है तो प्लीज़ चेक कीजिए, दो बार गाड़ी को लॉक करना है आपको, एंड लास्ट में जो होल्ड का बटन है इसको दबा के रखना है। देखा कमाल, सो चाबी से भी गाड़ियाँ स्टार्ट होने लग गई है, तो ध्यान रखें अपनी गाड़ी में भी फीचर होगा तो उसको यूज़ लीजिए। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, उन्होंने गाड़ी ले ली है, सो बंद करना है वापस से, दबाइए बटन, बंद हो गई गाड़ी, ओके। सो चाबी सिंपल सी है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कभी कभी इसके की जो सेल है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसको चेंज करवा लीजिए, उसमें दिखाता है इंडिकेशन भी। सो इसको वायरलेस चार्जर पर ना रखें हमेशा, जैसे बताता हूँ। सो चाबी पर बात करते हैं ख़त्म, अब बात करते हैं गाड़ी पे। गाड़ी फ्रंट से काफ़ी मस्कुलर एंड डिसेंट लगती है, अच्छी लगती है, क्रेटा से काफ़ी इंस्पायर बोल सकता हूँ, बट थोड़ा बहुत, काफ़ी नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इस गाड़ी में। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिल बहुत बड़ी है क्रेटा के अकॉर्डिंग, फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको, जो ग्रिल है काफ़ी मतलब इतनी डिसेंट एंड मस्कुलर सी लगती है। नहीं ये क्रोम है, बट हल्का हल्का डार्क क्रोम यूज़ किया गया है। इसकी लाइट की बात करूँ काफ़ी ब्राइट LED लाइट है। नीचे की बात करूँ तो वो भी आपको मिल जाता है, फोग लैंप एंड साइड टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्रंट के अंदर रिवर्स आपको, सॉरी फ्रंट के अंदर पार्किंग सेंसर, टोइंग करने का ऑप्शंस। नीचे एक स्किड प्लेट जो हल्का सिल्वर कलर का यूज़ किया गया है, ब्लैक एंड सिल्वर। इस साइड का हूँ तो वही आपका फोग लैंप, साइड इंडिकेटर, आपका रिक्वेस्ट सेंसर, दो रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ किया गया इसके अंदर फ्रंट की तरफ। बोनट की बात करूँ डिज़ाइन की, लुक की, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ आकर इसको सीप दे रहा है एकदम, काफ़ी मस्कुलर स्पोर्ट्स कार जैसा। बात करते हैं फेंडर साइड में, अलॉय व्हील की बात करते हैं, ओके। तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन क्रेटा से पूरा ही डिफरेंट है, आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा क्रोम, ब्लैक क्रोम, ब्लैक क्रोम यूज़ किया गया है। एंड बात करूँ मैं इसकी डिज़ाइन की तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, आपको भी दिख रहा होगा कितना मस्त लग रहा है। टायर की साइज़ की बात करूँ तो R18 का टायर है, 18 इंच का ये टायर है। इसकी प्लेट यूज़ की गई, साइड में जो फुटरेस्ट देख रहे हैं ये कंपनी फिटेड आते हैं इसमें टॉप एंड वेरियंट में। बाकी मॉडल है उनमें आपको लगाने पड़ेंगे वाइपर ब्लेड, वो ये सेम डिसेंट सी सेंसर, एडास का फीचर इसमें नहीं आता। पैनारोमिक सनरूफ काफ़ी बड़ा है, साइड विंडो, कर्टेन, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आएगा, रिक्वेस्ट सेंसर उधर आएगा, क्रोम का यूज़ किया गया है। साइड मिरर यहाँ भी 360 डिग्री कैमरा का यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं ये रहा। एंड जैसे ही आप गाड़ी के पास आते हैं उस साइड तो बताऊँगा अभी। डीजल टैंक, ओके, तो डीजल टैंक की बात करूँ तो इसमें 50 लीटर का डीजल टैंक आपको मिलता है, जिसमें माइलेज देती है। सिटी के अंदर बात करूँ तो 15-16 के अकॉर्डिंग कंपनी की तरफ क्लेम करती है, 15-16 देती है। हाईवे की बात करूँ डीजल की, तो डीजल आपको दे देगा, करेगा अच्छी रेंज पे चल रहे हैं आप, अच्छे एक स्पीड पे चल रहे हैं, जैसे 70-60, 70-80, तो ये ना भी करते हुए आपको 20+ निकाल सकती है गाड़ी आपको। पीछे के जो टैन लैंप की बात करूँ तो LED मिलेंगे, काफ़ी मस्कुलर है, डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जलने में, जला के दिखा देता हूँ अभी रुको, इतना क्या सोचना। रिक्वेस्ट सेंसर, दबाइए बटन, गॉड गेट हो गया आपका ओपन, हल्का सा इग्निशन ऑन कीजिए, हेडलाइट ऑन कीजिए, एंड आ जाते हैं पीछे की तरफ। सो देख सकते हैं अभी ये LED यूज़ की गई है, अगर हम अभी ब्रेक दबाऊंगा तब चलेंगे, तो अभी ब्रेक दबा नहीं सकता, फ़ोन मेरे पास है।
लाइट देख सकते हैं आप, नंबर प्लेट लाइट, रियर रिवर्स कैमरा, हुंडई का मोनोग्राम, अल्काजार, हाई स्टॉप लैम्प, आपका आ गया ऊपर सन वाइज सॉरी पैनोरामिक सनरूफ, साथ में है आपका ये एंटीना, साइड के बात करूँ तो क्लाइडिंग ऊपर वाली आ गई, काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में, साथ में एंटीना, पीछे के बड़े बड़े पैनोरामिक टाइप के एक साइड ग्लास जो काफ़ी अच्छे दिखते हैं दिखने में भी। साइड क्रोम की बात करूँ तो ये अच्छी लग रही है हुंडई अल्काजार की जो क्रोम है, सिग्नेचर की ब्रांडिंग अगर आपको पता करना टॉप मॉडल कौन सा है, सिग्नेचर लिखा हुआ आएगा ऐसा, सो सिग्नेचर ब्रांडिंग, एलईडी लाइट यूज़ की गई है, यहाँ भी एलईडी लाइट यूज़ कर देनी चाहिए। बूट देखिए काफ़ी बड़ा, क्योंकि सीट सारी फोल्ड की गई है आगे तक, सो ये दिखने में काफ़ी मस्कुलर अच्छा लग रहा है। एसी को ऑप्शंस पीछे भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ से सेट कर सकते हैं आप यहाँ से देखिए, सो ये सबसे प्लस पॉइंट है। यहाँ आपको हुक दे रखे हैं, डिग्गी लाइट दे रखी है, रिफ्लेक्टर मिलता है, बोतल होल्डर मिलता है, बोस का सब वूफर मिलता है, बोस के स्पीकर मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, एंड जैक भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाता है इस गाड़ी के अंदर। सो गाड़ी दिखने में कुछ अंदर से ऐसी होगी, चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से पकड़िए एंड इसको आप बंद कर दीजिए। ओके साइड में आते हैं, सो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस गेट से, रिक्वेस्ट सेंसर का यूज़ किया गया, दबाइए खोली गाड़ी को, ओके अनलॉक, बाहर का सब कुछ बता दिया। एक बार मैं आपको हेडलाइट भी बता दूँ फ्रंट से कि दिखने में कैसी होती है, ये देखिए इसमें भी होता है क्रेटा के अंदर देखिए कि ये थोड़ी छोटी होती है एंड किसी में ये बड़ी होती है। ओके तो बता दूँ जो बेसन वेरियंट होता है उसमें हल्की सी छोटी लाइट होती है पीछे की आगे की, एंड ये जो होती है इसमें बड़ी लाइट मतलब टॉप एंड वेरियंट है। सो ये देख सकते हैं फ्रंट से गाड़ी कुछ दिखने में ऐसी दिखेगी आपको, चले फिर अंदर की तरफ। अभी मैं बैठा हूँ अभी हुंडई अल्काजार सिग्नेचर वेरिएंट में, ये डीजल वेरिएंट है, एंड मैं अभी दिखाता हूँ कि अंदर हिंस में क्या मिलता है क्रेटा से डिफरेंट, एंड मुझे स्पेशली अल्काजार क्यों पसंद आती है, क्रेटा क्यों नहीं आती है, सो बात करेंगे सारी। सो चलते हैं इंटीरियर को स्टार्ट करते हैं, जैसे बाहर का से मैंने वॉक अराउंड दिखाया, इंटीरियर का वॉक अराउंड दिखाता हूँ आपको कैसी गाड़ी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं स्टेयरिंग पे, स्टेयरिंग में हमें क्या मिलता है, स्टेयरिंग वही क्रेटा जैसा है। माउंटेन कंट्रोल की बात करूँ तो वॉइस कमांड मोड वॉल्यूम ठीक है, एंड ये सब कुछ आपका इस साइड आ गया, कॉल कट करना उठाना, ये चैनल को चेंज करना, एफएम रेडियो की एफएम रेडियो चेंज करते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी आपको यहाँ भी शो करती है, ठीक है 98.3, 98.6, 93.5 ये सब कुछ। ओके ये है आपके क्रूज के ऑप्शंस, सर्विस रिमाइंडर, क्रूज ठीक है, ये आपके जो डिस्प्ले के हाँ इसको सेट करना, क्या ट्रिप मीटर है, क्या क्लस्टर मीटर जितनी भी है सब सेटिंग यहाँ चेंज करना, ओके प्रेस करके उसको चेंज करना, ये होल्ड, ओके होल्ड का बटन कहाँ यूज़ आता है ओके बता दूँ, क्रूज जैसे यूज़ करते हैं आप इस गाड़ी के अंदर तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो जो सेटिंग होती है वो डिसेबल हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो दिख रहा है वो होल्ड इसको दबा के रखते हैं तो जो जिस सेटिंग में आपने अगर उसको किया है क्रूज को तो उस सेटिंग पे ये वापस आ जाएगा उतनी स्पीड पे, सो गाड़ी उस स्पीड पे चलती रहेगी, ना ऊपर ना कम ना ज़्यादा, एंड ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसी वेंट आपको साइड में मिलते हैं जिनकी डिज़ाइन थोड़ी अलग है क्रेटा से, एंड एम्बियंस लाइट इसमें यूज़ की गई है 64 कलर के साथ, हेडलाइट इस पर बंद कर देते हैं ओके, सो 64 कलर के साथ एम्बियंस लाइट इसमें यूज़ की गई है, उसको आप इससे चेंज कर सकते हैं। सबवूफर सेंसर दो कलर इसमें दिए गए हैं जैसे कि डैशबोर्ड कलर, स्टार्टिंग में अजीब लगा था बट ये अभी बहुत प्रीमियम लगता है, देखिए एम्बियंस लाइट जल रही है इसको चेंज कर सकते हैं। आपका इलेक्ट्रिक्स व्यू मिरर रियर्स इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं आरएसए के, सनग्लास होल्डर, एलईडी लाइट का यूज़ किया गया भर भर के इसके अंदर, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सन वाइजर की बात करूँ तो यहाँ भी आपको ये ओके तो हुंडई ने सुन ली आखिरकार, एक्सटेंड इसमें सन वाइजर मिल जाते हैं आपको जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं बता दूँ जैसे कि देखिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है क्रेटा के अंदर नहीं मिलेगी, जैसे कि इसमें दिखा दूँ आपको, यहाँ पे बस वैनिटी मिरर तो है बट वैनिटी लाइट नहीं दी गई है, इस दिखा दूँ ये देखिए, ये बहुत सही होता है क्योंकि जब यहाँ होता है सूरज यहाँ पहुँचता है फिर इसका कोई यूज़ नहीं आता यार, तो ये सबसे अच्छी चीज़ दी है हुंडई ने इस बार, सुन ली मतलब। सो क्लस्टर मीटर आपका डिजिटल मिलता है, काफ़ी अच्छा है, अभी जो वर्ना आ रही है उससे इंस्पायर है क्योंकि अभी वर्ना के अंदर बाहर दे दिया इसको अंदर दे रखा तो ये थोड़ा अलग दिखता है, हालांकि है दो ही दो डिस्प्ले जैसा, ये डेढ़ डिस्प्ले ही है ये बस बाहर की तरफ नहीं है। 10.5 इंच का टच स्क्रीन मिलता है यहाँ पे अवेलेबल आपको। एसी की बात करूँ तो फुली क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है जिसमें 30 वोल्ट का आउटपुट आता है, आपका सी टाइप एंड 12 वोल्ट का चार्जर, ऑटोमेटिक भी अंदर ये आती है गाड़ी ड्राइव ठीक है, यहाँ से मोड वगैरह आप स्पोर्ट्स मोड इको मोड ये सब चेंज करते हैं तो कलर भी चेंज होता रहता है। पार्किंग में लगा सकते हैं, होल्ड को दबा सकते हैं ताकि हील असिस्ट में काम आएगा, ताकि ये
वेंटिलेटिंग सीट्स, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। हीटिंग का फीचर नहीं है इस गाड़ी में, अब आने लगा है। आपके कप होल्डर, इस पर आप बात करूँ तो आपका ये मिल जाता है, ठीक है, ये एयर फ्रेशनर इसके अंदर ही इनबिल्ड है। एंड बात करूँ इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, अच्छा खासा हवा की आवाज़ आ रही होगी, देखिए। ओके सो ये हो गई आपकी सीटिंग, इसमें आप सीट कवर नहीं लगा सकते, एयरबैग सीटें हैं। इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। ग्रैप हैंडल एडजस्टेबल है। ये हमने खोला आपका सनरूफ, इसमें हिंदी कमांड नहीं है, इंग्लिश कमांड है, क्योंकि अब जो गाड़ी आई है उनके अंदर है हिंदी कमांड, यहाँ आपको इंग्लिश कमांड का यूज़ किया गया है, ओपन द सनरूफ, क्लोज द सनरूफ। वहाँ वरना के अंदर तो आपको सनरूफ खोल दीजिए, सनरूफ बंद कर दीजिए, ये सब फीचर मिलते हैं। सो हम कर देते हैं इसको बंद। एंड फ्रंट का हो चुका है, इसे दिखा देता हूँ। पावर विंडो स्विच का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है, लॉक अनलॉक, साइड मिरर फोल्ड करना, ये सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं। सो अब चलते हैं पीछे की तरफ, ये पीछे हमें क्या क्या अवेलेबल हो जाता है। सीट को करें पहले अनफोल्ड, क्योंकि किसी ने छेड़ रखी थी ऑलरेडी सीटें। एंड यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है इस गाड़ी को, सीट जो है उसको पीछे लेने का। ओके पहले करते हैं रूम लाइट ऑन, यहाँ वाली रूम लाइट भी ऑन। सो पीछे देख सकते हैं, एक ये आपका कुशन कवर मिलता है, ये बहुत अच्छा आता है, इतना सॉफ्ट है कि क्या बताऊँ, मस्त चीज़ है। ओके सो आप देखिए पैनारोमिक सनरूफ के नज़ारे दिख रहा है, एकदम कमाल का डिज़ाइन। सो फ्रंट का ये हो गया, अब बात करते हैं रियर्स की। यहाँ मिलता है आपको एयर फ्रेशनर, आपको यहाँ आ जाता है एसी वेंट्स, चार्जिंग पॉइंट, यहाँ वायरलेस चार्जर नहीं है, जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर है। ये आपका 7 सीटर का ऑप्शन अवेलेबल करती है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ मिलता है, बट यहाँ पे एक जो होता है इसका टॉप एंड वेरिएंट 6 सीटर वाला, इससे भी एक 6 उसके अंदर आपको भी मिल जाता है, सिग्नेचर के अंदर वायरलेस चार्जर के ऑप्शन भी। सो एमएस लाइट, ये जो होती है ना विंडो कर्टेन, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये पता नहीं क्यों इसमें वरना में क्यों नहीं दी, इतनी प्रीमियम गाड़ी है उसमें देनी चाहिए थी। सो बात करता हूँ मैं पीछे की, तो यहाँ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, सब वूफर मिल जाते हैं, बोस की सीट है, अनफोल्ड है अभी। सो ये मैं बैठा हूँ अभी पीछे की सीट पे, रियली बहुत प्रीमियम फील हो रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी महंगी गाड़ी में बैठा हूँ। एंड मुझे स्पेशली अल्काज़ार बहुत पसंद है, क्रेटा से ज़्यादा। अनरोड प्राइस की बात करें तो 24 लाख के अराउंड ये मुझे पड़ती है, 20 का माइलेज देती है, 50 लीटर टैंक की कैपेसिटी इसके अंदर रहती है, 7 ईयर तक वारंटी रहती है पेट्रोल वेरियंट में। डीजल वेरियंट लेते हैं तो 5 ईयर की वारंटी, 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी, 5 ईयर SOT मतलब सील्ड ऑफ ट्रस्ट, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं हुंडई के जितने भी कंज्यूमर पार्ट है वो कवर हो जाते हैं। एंड RSA की बात करो 7 ईयर तक RSA एक्सटेंड कर सकते हैं, 3 साल के साथ में फ्री आते हैं। सर्विस कॉस्टिंग की बात करो तो नॉर्मली अल्काज़ार की सर्विस कॉस्टिंग पड़ेगी एक सर्विस पे 5-6 हज़ार के अराउंड कुछ रहता है 1 साल का, तो बहुत ही मामूली गाड़ी का एक प्राइस है। इस अकॉर्डिंग बात करूँ, इस रेंज के अकॉर्डिंग बात करूँ, इतनी प्रीमियम गाड़ी की बात करूँ, रूम लाइट डिसेंट अच्छी है, साइड का टेन की बात कर सकते हैं अपन। सो इसको मैं अनफोल्ड कर देता हूँ। सो ये है हमारी हुंडई अल्काज़ार, कैसी लगी आपको, क्या क्या इसमें अच्छा लगा ये सब बताइए मुझे। सो मिलते हैं लास्ट में, वीडियो के अंत में, मतलब मेरा क्या ये रिव्यू रहा तो बता दूँ। मेरा रिव्यू ये है कि सर्विसिंग काफ़ी डिसेंट है, अच्छी है, कोई आपको ज़्यादा माथापोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बुक करवाइए, चलाइए, क्रेटा से बहुत अच्छी है। अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो ये लीजिए, अगर बजट कम हो तो क्रेटा लीजिए, बट मैं लूँगा तो हुंडई अल्काज़ार लूँगा, अगर मुझे बड़ी SUV पसंद है तो। सो चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाली है वेन्यू N-Line पर, जो न्यू कलर आया है, सो प्लीज़ देखना ना भूलिए। ये वीडियो जो है ये वाली आज अपलोड होगी एंड वो परसों अपलोड होगी। सो मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।